नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम थायोबी इस उत्पादन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। किसान भाइयों, थायोबी इस उत्पादन में थायोबैसिलस स्पेसिस का जो थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस है, ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। इसका जो सेल काउंट है वो पर ग्राम 5 × 10⁻⁹ CFU है और ये डेक्सट्रोज बेस्ड फॉर्मुलेशन है। उसकी वजह से इसका एक एकड़ का डोज सिर्फ 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ये लगता है। अभी ये उत्पादन क्या काम करता है, तो जिंक फेरस सल्फर इसका प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करा देने का काम ये प्रोडक्ट करता है, जिससे कि जो खेती में अपने जो सॉइल में बायकार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं या ऑक्साइड होते हैं, उसको भी घुलने में ये मदद करता है और उसके बाद में उसमें से हमें जिंक फेरस सल्फर की उपलब्धता करा देने में ये मदद करता है। जैसे मार्केट में से हम सल्फर का उपयोग करते हैं, ये जो एलिमेंटल सल्फर होता है इसको SO4 में कन्वर्जन करना, मतलब उसका ऑक्सीडेशन करने का काम, और साथ में ही फेरस और जिंक को उसका भी उपलब्ध करा देने का काम ये प्रजाति करती है, जिसका नाम है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेस, ये थायोबी में है। तो अभी जिस प्रकार से हमने देखा, तो इन सब अन्न द्रव्यों में से जो फेरस है इसका फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा काम है, और जैसे कि सल्फर है इसका सबसे महत्वपूर्ण एक काम है पीएच बैलेंस करना। जैसे कि कोई किसान हम यूज करते हैं पीएच बैलेंस करने के लिए सल्फर, तो अभी अगर पीएच हमारा 6.5 से 9 के बीच में जो पीएच होता है, इसमें अगर 7 से ज्यादा 7.5 से ज्यादा पीएच हो रहा है, तो जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक दूसरे को बाइंड होके अवेलेबल फॉर्म में से निकल जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस ये कैल्शियम के साथ फिक्स के होके कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, या फिर वो पीएच 6.5 के आसपास है, उससे कम हो रहा है तो वो फेरस के साथ स्थिर हो रहा है। इस प्रकार से पोटैश भी सिलिकॉन के साथ स्थिर होता है, तो ये सब जो केमिकल रिएक्शंस है कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर हम इस पीएच को ज्यादा देर तक अगर मेंटेन कर सके 7 से 7.5 के बीच में, तो ये दिक्कत नहीं आती है। अभी अगर सल्फर को हम यूज कर रहे हैं, जैसे मार्केट में 3 kg का पैकिंग होता है, उसके साथ अगर हम थायोबी 200 ग्राम अगर यूज करेंगे, तो हमें नेक्स्ट 45 to 60 डे तक पीएच मेंटेन करने की कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सल्फर जो SO4 में कन्वर्ट होकर प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा, तो सॉइल के रूट्स के नजदीक के हर जहां जहां पे ये है वहां वहां की पूरी मिट्टी का ये पीएच ज्यादा देर तक मेंटेन करेगा। तो इस प्रकार से हमें इससे सल्फर की भी अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद में जैसे जिंक है, जिंक का सबसे महत्वपूर्ण काम है ऑक्सिन हार्मोन डेवलप करना, उसके वजह से शूट्स या न्यू जो शूट होते हैं और रूट टिप्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो ये ऑक्सिन डेवलप करने का काम जिंक करता है। तो थायोबैसिलस के यूज से या थायोबी के यूज से हमें जिंक की उपलब्धता होती है, और उसकी वजह से हमें न्यू शूट्स भी जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से क्वालिटी से आने के लिए हेल्प होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जिंक और फेरस की डेफिशिएंसी यहाँ पर दिख रही है, ये फेरस है और ये जिंक की डेफिशिएंसी है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फेरस में पीलापन ज्यादा दिखता है और जिंक में पीलापन के साथ साथ उसकी जो वेन्स होती है वो ग्रीन ही रह जाती है, तो इस प्रकार से वो होती है। और जैसे ग्रेपवाइन के लीव्स में आपको दिख रहा है, ये जिंक डेफिशिएंसी है, ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी है, ये वापस जिंक की है और ये फेरस की डेफिशिएंसी है। तो ये सभी को अगर हमें कम करना है, तो जैसे मार्केट में जिंक सल्फेट मिलता है, फेरस सल्फेट मिलता है, मैंगनीज सल्फेट मिलता है और सल्फर भी मिलता है, तो इसका हम 5 kg ईच और साथ में 3 kg सल्फर का अगर साथ में यूज करेंगे, और उसके साथ में ही हम 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो 5 kg ईच के डोज में अगर थायोबैसिलस या थायोबी हम डाल के अगर साथ में यूज करेंगे, तो ये डेफिशिएंसी हमें कम आएगी। तो इस प्रकार से हम थायोबैसिलस का या थायोबी का 200 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में से ड्रिप द्वारा या ड्रिंचिंग द्वारा हम यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम जो स्मेल या टेस्ट के वजह से जाने जाते वाले जो क्रॉप्स है, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, उसके बाद में अदरक है, उसके बाद में हल्दी है, तो ये 4 क्रॉप में सबसे ज्यादा जरूरी एंड स्टेज में सल्फर और जिंक की होती है, जिससे कि उसे रंग बहुत अच्छे और फेरस की भी होती है, तो जिससे कि उसका रंग भी बहुत आकर्षक आना चाहिए और उसकी टिकाऊ क्षमता बढ़नी चाहिए और उसकी स्मेल बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए हम जैसे मैंने पहले बताया उस प्रकार से हम सल्फर, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ 200 ग्राम थायोबी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें इस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। धन्यवाद।